हेलो फ्रेंड्स। हाँ डॉक्टर साहब, हमें तीन चीज़ें बताइए, आप कृपया करके इस पर मार्गदर्शन करिए। हु एम आई एंड फ्रॉम वेयर वी केम एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द लाइफ। देखिएगा, फिर भी सबसे पहले तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उस समय हमें फील होता है कि हम फिजिकल बॉडी नहीं हैं, इससे ऊपर एक लाइट एनर्जी साउंड की फॉर्म में हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्लेस्ड है, या हम ये माने कि हम वो चीज़ हैं जिसको हम स्पिरिट सोल इस तरह से कहते हैं। अब बात यह कि मैं आपको थोड़ा सा उपनिषदों में ले चलता हूँ। उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है कि जो सोल होती है वो जिस समय एम्ब्रियोलॉजिकली भी स्टडी करा है हमने, तो उसमें क्या है कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है उस समय जैसे ही जाइगोट बनता है, सोल की अटैचमेंट वहाँ पर हो जाती है और सोल की भी फाउंडेशन रहती है जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब ऋषि मुनि शायद इस साइंस से परिचित थे, बहुत हायर लेवल की सिविलाइजेशन थी उनके पास, तो वो लोग ये देखते थे कि हमारा किस नक्षत्र में किस समय पर बर्थ हुआ है, तो उस सोल का के साथ जो कार्मिक पोटेंशियल है, कार्मिक लोड की वजह से वो संसार में आई है और कुछ उसकी लेनी देनियाँ हैं इस संसार में प्रारब्धवश, और इसके अलावा कुछ स्वतंत्र कर्म है जिनको करके वो अपने आप को स्वतंत्र कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें स्पिरिचुअल असेसमेंट करना, अपना कार्मिक असेसमेंट करना। तो जिन नक्षत्रों में हमने जन्म लिया उसका कौन सा पदा है, कौन सा नक्षत्र है और उस समय प्लैनेट्स की क्या पोटेंशी है, तो उससे हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है या कार्मिक फ्लो किस तरफ रहेगा। तो इसमें ऋषियों ने बताया आत्मा कारक ग्रह कौन से होते हैं, अमात्य कारक ग्रह कौन से होते हैं, कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमारी फिजिकल सेटाइटी को पूर्ण कर रहा है, कौन सा हमें स्पिरिचुअल पर्पस बता रहा है कि किस लिए हमने जन्म लिया। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसमें आप बहुत सारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स को देखेंगे, वो बताते हैं कि राहु केतु की नोडल एक्सिस होती है जिसके इर्द गिर्द हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा की वजह से हमारी साइकिल उन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रह्मांड में करोड़ों तरह की चीज़ें हैं लेकिन मनुष्य का जीवन आपने देखा बहुत सीमित फोकस होता है। बहुत से लोग घर ऑफिस या इससे ऊपर भी उठे हुए लोग होते हैं, तो ये देखते हैं कि हमें उनके हॉरोस्कोप में देखने को मिलता है कि राहु केतु घर और ऑफिस के नोडल एक्सिस में उन्हें बांधे हुए हैं। फिर ये है कि हमारे एम्बिशंस और हमारा कार्मिक फ्लो, हमारी डिज़ायर्स हमें किधर ले जा रही हैं, वो हमें सैटर्न से पता लगता है। तो अगर हम एक अच्छे विद्वान से अपनी एनालिसिस करा सकते हैं तो भी ये जान सकते हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअली अपने आप को हायर करते हैं या कुछ, मैं तो कहूँगा कि बहुत रेयर हैं ऐसे गुरु जो शक्तिपात कर सकते हैं या आपको आपकी सोल के साथ में डिफरेंट लोगों में ले जा करके। आप स्वाध्याय कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, अच्छे गुरुओं से मार्गदर्शन कीजिए, सबसे ज्ञान लीजिए, पर फॉलो अपने विवेक के अनुसार कीजिए। स्वाध्याय करिए, सच्चन संगत करिए और एक्सपीरियंस शेयरिंग करिए, यही इससे पर्पज। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मार्गदर्शन किया हम लोगों को, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर।